ये लोग कार से जा रहे होते हैं तभी एक लड़की इनकी कार के आगे आ जाती है। लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी, ये उसे अपनी कार में बैठा लेते हैं। वो किसी आदमी के बारे में बात कर रही थी जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। वो एक मीट की शॉप के पास से गुजरते हैं। वो लड़की कहती है कि तुम गलत रास्ते पे हो, वो तुम्हें भी मार डालेगा। वो उन्हें रुकने को कहती है पर जब वो उसकी नहीं सुनते तो वो गन निकाल कर खुद को शूट कर लेती है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करने का तय करते हैं। वो एक गेस्ट स्टेशन के पास आकर रुकते हैं। वो उसकी ओनर से पुलिस स्टेशन के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताती है कि यहाँ पर आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है पर पास ही एक पुलिस ऑफिसर का घर है। ये दोनों जब उस घर में जाते हैं तो ये बूढ़ा आदमी उन्हें बताते हैं कि ये पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है बल्कि मेरा घर है। अगर तुम्हें जरूरत है तो मैं तुम्हें फोन यूज करने दे सकता हूँ, तुम्हें से कोई एक घर के अंदर आकर कॉल कर सकता है। लड़की ऑफिसर से बात करने लगती है। काफी देर बाद भी जब वो घर के बाहर नहीं आती तो ये लड़का भी घर के अंदर आ जाता है। तभी पीछे से उस पर लेदर फिस हमला कर देता है। ये वही आदमी है जिसके बारे में वो लड़की बात कर रही थी। वो उसे घसीट कर घर के अंदर ले जाता है। एरिन जब बाहर आती है तो वो देखती है कि उसका दोस्त वहाँ कहीं भी नहीं है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि शायद वो फिर से गैस स्टेशन पर चला गया हो, पर जब वो गैस स्टेशन पर आकर देखती है तो वो वहाँ पर भी नहीं था। सभी लोग उसे मिलकर ढूंढने लगते हैं और वापस